सो एवरीवन, कैसे आप सब? सो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं विदाउट नोजल विदाउट स्टैंड 1 पाउंड की केक। तो गाइस, इसको सबसे पहले हमको लेयर मैंने लगा लिया है, अभी बस इसको हम आइसिंग करेंगे। तो गाइस, आइसिंग करने के लिए हालांकि मेरे पास स्टैंड नहीं है, स्टैंड है लेकिन मैं यूज़ नहीं करूँगा। तो विदाउट स्टैंड हम इसको आइसिंग करेंगे। इसके लिए गाइस, मैंने बटर पेपर से पाइपिंग में क्रीम पैक कर लिया, उसके बाद कुछ इस तरीके से केक के ऊपर मैं लगा दूंगा। अक्सर मैं विदाउट स्टैंड जैसे केक आइसिंग करता हूँ उसी तरीके से। अभी गाइस, इसको हम ऊपर की ओर कुछ इस तरीके से प्लेन कर देंगे। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो, ऊपर की ओर क्रीम को हम प्लेन कर रहे हैं। उसके बाद गाइस, साइड की ओर भी हम कुछ इस तरीके से क्रीम पाइपिंग से लगा देंगे, उसके बाद साइड की ओर भी हम प्लेन करेंगे। तो गाइस, ऊपर की ओर मेरा फिनिशिंग हो चुका है। अभी गाइस, साइड की ओर मैं कुछ इस तरीके से क्रीम लगा दूंगा। हालांकि ये जो मैं दिखा रहा हूँ, इस तरीके से आप डिज़ाइन भी कर सकते हो। आप चाहो साइड की ओर प्लेन ना करना, सीधा डिज़ाइन करना, तो इस तरीके से आप डिज़ाइन कर सकते हो। लेकिन गाइस, मुझे प्लेन करना है, इसलिए गाइस कैसे भी करके मैं साइड की ओर क्रीम लगा दूंगा। एंड गाइस, अभी हम कुछ इस तरीके से साइड की ओर प्लेन कर लेंगे। तो गाइस, आप जैसे कि देख सकते हो, धीरे धीरे मैं साइड की ओर कैसे प्लेन किया हूँ। उसके बाद गाइस, साइड की ओर जो एक्स्ट्रा क्रीम ऊपर की ओर निकला हुआ है, उसको भी हम कुछ इस तरीके से प्लेन कर देंगे। तो गाइस, मैंने आइसिंग का फिनिशिंग कर दिया है। सो गाइस, अभी हमको डिज़ाइन करना होगा। उसके लिए गाइस, मैंने लिया है व्हाइट क्रीम एंड इसके ऊपर मैं पिंक कलर लिक्विड यूज़ करूँगा एंड बटर पेपर से पाइपिंग बना के वी शेप में कटिंग कर लूँगा। जैसे कि गाइस, कटिंग हो गया है। अभी गाइस, आप सिंपल देख सकते हो, इसी तरीके से प्रेशर करके कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करना है। एंड गाइस, विदाउट नो जेल ये वाला डिज़ाइन सबसे बेस्ट डिज़ाइन में से एक है। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो, केक के साइड की ओर मैं कुछ इस तरीके से ड्रॉप या डिज़ाइन, आप जो भी कह सकते हो, वो मैं कर दूंगा। तो गाइस, इस तरीके की डिज़ाइन मैं साइड में करूंगा एंड नीचे की ओर जहाँ पे बॉर्डर है वहाँ पे भी मैं कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करूंगा। एंड गाइस, मैं आपको बता दूँ, ये जो डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन को हम चाहे तो केक की साइड की ओर भी कर सकते हैं, क्योंकि गाइस केक की साइड की ओर प्रॉपर फिनिशिंग नहीं आया है। तो गाइस, हम इसी तरीके से डिज़ाइन करके केक की साइड की ओर जो अन फिनिशिंग सता वो भी हम डिज़ाइन से कवर कर लेंगे, ताकि गाइस ये पता ना चले केक के साइड की ओर फिनिशिंग नहीं हुआ है एंड इसका जो लुक है वो भी बहुत अच्छा लगे हमें। तो गाइस, जैसे कि देख सकते हो, साइड की ओर भी मैंने डिज़ाइन कर दिया है, क्योंकि गाइस यहाँ पे प्रॉपर फिनिशिंग नहीं हुआ था, इसलिए गाइस मैंने प्रॉपर डिज़ाइन कर दी है। तो गाइस, मेरा ये जो डिज़ाइन था, ये साइड की ओर भी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद गाइस, मैं प्लेन पाइपिंग बना के कुछ इस तरीके से साइड की ओर भी ड्रॉप ड्रॉप कर दिया। एंड गाइस, अभी हम फ्लावर बनाएंगे। तो गाइस, उसके लिए बटर पेपर से मैंने क्रीम को पैक कर लिया है। अभी गाइस, साइड की ओर एक ही साइड पे हम कुछ सीजर से इस तरीके से कट करेंगे। उसके बाद गाइस, आप स्टैंड के या कुछ भी आप ले सकते हो जिसके ऊपर आप ड्रॉप करके फ्लावर बना सकते हो। एंड गाइस, आप जैसे कि देख सकते हो, स्टैंड के ऊपर मैंने क्रीम से पहाड़ जैसा कुछ बना दिया है। अभी गाइस, इस पे मैं डिज़ाइन करूँगा। जिस साइड से मैंने कटिंग किया है उसी साइड से ये पतला होकर डिज़ाइन निकल रहा है। मैं बस प्रेशर करके अप डाउन कर रहा हूँ। तो गाइस, जैसे कि ये मेरा कुछ अलग तरह का फ्लावर बन गया है। अभी इसके ऊपर हम स्प्रे करेंगे। आप चाहो तो अपने हिसाब से कोई भी कलर का स्प्रे कर सकते हो, स्प्रे ना भी करो तो भी कोई बात नहीं, वो भी एक डिज़ाइन हो जाता है। तो गाइस, मैंने रेड स्प्रे किया है एंड फ्लावर ड्रॉप कराने से पहले मैं क्रीम ड्रॉप करा रहा हूँ, उसके ऊपर मैं फ्लावर को ड्रॉप किया है। एंड गाइस, अभी हम और एक फ्लावर बनाएंगे। अगेन गाइस, स्टैंड के ऊपर मैंने पहले थोड़ा क्रीम रख दिया था, उसके बाद पाइपिंग से मैं अप डाउन कर रहा हूँ एंड जिस साइड से मैंने सीजर से कटिंग किया था उसी साइड से पतला होकर निकल करके ये जो फ्लावर का छोटा छोटा पत्ता है वो बन रहा है। तो गाइस, इसके ऊपर अगेन हम रेड स्प्रे यूज़ कर देंगे। आप चाहो तो कोई भी स्प्रे ना करो तो भी चलेगा, व्हाइट रखो तो भी गाइस चलेगा, क्योंकि व्हाइट फ्लावर भी बहुत ज़्यादा पसंद भी किया जाता है। तो गाइस, ये फ्लावर भी ड्रॉप कराने से पहले मैं क्रीम पहले थोड़ा ड्रॉप करा दूंगा, उसके ऊपर मैं ये वाला फ्लावर ड्रॉप कराऊंगा, ताकि गाइस ये थोड़ा निखर के आए एंड थोड़ा अच्छे लगे। तो गाइस, जैसे कि मेरा फ्लावर कंप्लीट हो चुका है, अभी गाइस इसके ऊपर हम पत्ता बनाएंगे। पत्ता आप चाहो तो कोई भी कलर से बना सकते हो, लेकिन गाइस मैं येलो कलर लूँगा,
पत्ता बनाने के लिए। व्हाइट क्रीम को मैंने येलो कलर से मिक्स कर दिया है। अभी पाइपिंग में पैक करने के बाद मैं कोई भी नोजल यूज़ नहीं करूँगा, बस सीजर से प्लेन करके कटिंग कर लूँगा। उसके बाद गाइस कुछ लंबा लंबा करके, जैसे कि गाइस आप देख सकते हो, इसी तरीके से मैं ये पत्ता भी बना दूंगा। एंड गाइस ये पत्ता आप अगर बनाना चाहते हो तो गाइस कोई हाइड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस थोड़ा बहुत प्रेशर करना आना चाहिए। एंड गाइस जहाँ पे मैंने साइड की ओर पत्ता वाला डिज़ाइन दिया था, उस पत्ते वाला डिज़ाइन के बीच बीच पे थोड़ा गैप बचा हुआ था, उसी गैप में मैं ये पाइपिंग से एक जैसे पत्ता दिया था छोटा छोटा करके, उसी तरीके से मैं नीचे की ओर भी वो दे रहा हूँ। तो गाइस मेरा केक बिल्कुल पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, विदाउट नोजिल, विदाउट स्टैंड। सो गाइस वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना आप अगर हमारे चैनल पहली बार हो तो, क्योंकि गाइस बर्थडे केक से रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पे मिलता रहता है। एंड गाइस बहुत ही आसान तरीके से केक आप घर पे कैसे बना सकते हो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सो गाइस थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर बहुत ही ज़्यादा।